पिछले आधे घंटे से सिंचन के स्कूल का अलार्म बज रहा है, बट यार गाइस ये टाइम पे कभी भी उठता नहीं है। मुझे लगता है कि आज ये दोबारा स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मगर एक सेकेंड, सिंचन तो यहाँ पे नहीं है, लगता है कि स्कूल के लिए रेडी होने के लिए गया होगा। हमें तो हम लोग के घर में चोर घुसे हैं यार। किधर है चौप, किधर है चोर, ये चोर है क्या? देखो लड़के अपनी बंदूक नीचे करो। हाँ तो तुम दिखने में चोर तो नहीं लग रहे हो। मैं चोर नहीं बल्कि सिंचन के स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा तो प्रिंसिपल साहब, आज आप हम लोग के घर में कैसे? और ये आपके साथ कौन है, बेटा है क्या आपका? मैं सिंचन की क्लास का मॉनिटर हूँ। अच्छा तो तुम सिंचन की क्लास के मॉनिटर हो, सिंचन पढ़ने में कैसा है? सिंचन पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है, वो अपना होमवर्क भी नहीं करके आता। लेकिन मैं जब भी सिंचन से पूछता हूँ वो बोलता है कि होमवर्क मिला ही नहीं। होमवर्क तो डेली मिलता है लेकिन सिंचन कभी भी होमवर्क नहीं करके आता। अच्छा चलो ठीक है, मेरे छोटे भाई की बुराई मत करो। और हाँ भाई प्रिंसिपल साहब, आज आप हम लोग के घर कैसे? सिंचन की कंप्लेंट करने के लिए तुम्हारे घर खुद ही आना पड़ा मुझे। सिंचन को मैंने बोला था कि वो अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आए लेकिन वो लेकर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोग के घर में खुद ही आ जाऊं। लेकिन प्रिंसिपल साहब आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारे छोटे भाई की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, ना ही वो होमवर्क करके आता है और ना ही टाइम से स्कूल आता है। लेकिन सिंचन तो रोज सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है, उसकी स्कूल की बस आती है। अभी बताओ कि टाइम क्या हो रहा है? अभी तो 8 बज रहे हैं। तो किधर है सिंचन? जॉब किधर है सिंचन? हमें तो मुझे तो लगता है कि सिंचन स्कूल चला गया ना यार। हाँ ना प्रिंसिपल साहब, 8 बजे सिंचन के स्कूल की बस आती है और सिंचन स्कूल जाता है। लेकिन मैंने बस के ड्राइवर से पता किया, उसने बोला है कि सिंचन आज भी नहीं आया। क्या मतलब आज भी नहीं आया? तो फिर सिंचन है किधर? हमें तो सिंचन अपने स्कूल गया ना, और किधर गया होगा यार? जॉब तू मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? हमें तो मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा, सिंचन स्कूल गया ना यार। शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये पूरा हफ्ता सिंचन स्कूल में नहीं आया, और अगर आज भी सिंचन स्कूल में नहीं आया तो उसको हम लोग को स्कूल से निकालना होगा। नहीं नहीं स्कूल से निकालने की क्या जरूरत है, मैं सिंचन को ढूंढ के लेकर आता हूँ। एक सेकंड यहीं पे रुको, मेरे ख्याल से सो रहा होगा। सिंचन कहाँ पर है तू? तेरा स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पर आ गया है। सोता तो सिंचन मेरे साथ ही है, तो फिर अभी तक यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे ख्याल से ऊपर बैठ के खाना वाना खा रहा होगा। हाँ भाई सिंचन किधर है तू? मगर एक सेकंड, सिंचन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ पे जा सकता है? इसकी स्कूल की बस आई थी क्या? प्रिंसिपल साहब आप मुझे ये बताओ कि आज सिंचन के स्कूल की बस आई थी क्या? स्कूल की बस तुम लोग के घर के बाहर आई थी लेकिन सिंचन नहीं बैठा। कहीं तुम लोगों ने मेरे छोटे भाई को किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं आपका भाई तो स्कूल आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर आज सिंचन स्कूल नहीं गया तो उसका प्रिंसिपल सिंचन को स्कूल से निकाल देगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने सिंचन का एडमिशन करवाया था, एडमिशन टेस्ट में भी फेल हो गया था सिंचन। पैसे वैसे दे के मैंने एडमिशन तो करवा दिया है, मगर यार गाइस सिंचन फिर भी स्कूल नहीं जा रहा। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा छोटा भाई नहीं मिला क्या? नहीं मेरा छोटा भाई अभी तक मुझे नहीं मिला है, मेरे ख्याल से बाहर कहीं जॉगिंग वगैरह करने के लिए गया होगा। हमें तो जॉगिंग करने के लिए नहीं गया यार। तो फिर किधर है सिंचन? जॉब हमें तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सिंचन को मत बताना कि मैंने आपको बताया यार। अच्छा अच्छा ठीक है, तू मुझे सब कुछ सच सच बता। हमें तो सिंचन पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा यार। क्या मतलब, अगर सिंचन स्कूल नहीं जा रहा है तो फिर वो कहाँ पे जा रहा है? हमें तो जब भी सिंचन के स्कूल की बस आती है सिंचन छुप जाता है यार। कहाँ पर छुपा हुआ है सिंचन, मुझे बता चौप। हमें तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सिंचन को मारोगे तो नहीं ना यार? नहीं नहीं मारूंगा नहीं, मैं उससे पूछूंगा ना कि मसला क्या है, वो स्कूल जा क्यों नहीं रहा है। हमें तो सिंचन वो पीछे छुपा हुआ यार। प्रिंसिपल साहब आप एक सेकंड यहीं पे रुको, मैं अभी सिंचन को लेकर आता हूँ। लेकिन रुको पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोले, अभी क्या हुआ? हम लोग के स्कूल में आज पेरेंट टीचर मीटिंग है जिसमें तुम्हें किसी भी हाल आना होगा। जी ठीक है सर, अगर मुझे सिंचन पहले बताता तो मैं पहले भी आ जाता, बट उसने मुझे बताया ही नहीं, इसीलिए तो मैं खुद बताने के लिए आया हूँ। आज हम लोग के स्कूल के बच्चों के सारे पेरेंट्स आएंगे, और सिर्फ यही नहीं वो लोग साथ में बैठ के क्लास को भी अटेंड करेंगे, ताकि तुम सब लोग को पता चल जाए कि तुम लोग के बच्चे कितने पानी में। कितने पानी में क्या मतलब, क्लासरूम में पानी है क्या? अबे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग के बच्चों की प्रोग्रेस तुम लोग को पता चलेगी। हाँ प्रोग्रेस तो आपने मुझे बता ही दी है सिंचन की। ये तो कुछ भी नहीं, आप क्लास में जरूर आना। अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन स्कूल बस वापस आ सकती है क्या? 8:15 पे स्कूल बस दोबारा आएगी, तुम लोग रेडी हो जाना। अच्छा ठीक है मैं सिंचन को रेडी करके आ जाऊंगा। और सिंचन को आपने क्लास मॉनिटर क्यों नहीं बनाया? सिंचन को हम लोग क्लास में बिठा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, तुम मॉनिटर की बात करते हो। अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन सिंचन क्लास का मॉनिटर जरूर बनेगा। ठीक है तो फिर तुमसे स्कूल में मुलाकात होगी। ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, सिंचन को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन स्कूल बस आ जाएगी ना? जी हाँ बिल्कुल, स्कूल बस यहाँ पर टाइम पे पहुँच जाएगी। चलो मॉनिटर हम लोग को चलना होगा। और अबे तुम मेरी बात सुनो, मेरे छोटे भाई की शिकायत लगाई है क्या तुमने प्रिंसिपल को? नहीं नहीं मैंने कोई भी शिकायत नहीं लगाई, आपका भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। पढ़ेगा धीरे धीरे पढ़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल को शिकायत तो मत लगाओ ना, वो निकाल देगा सिंचन को स्कूल से। मैं भी ये चाहता हूँ कि सिंचन हम लोग की क्लास में ना रहे। क्या मतलब सिंचन क्लास में ना रहे, पूरी की पूरी फीस भरता हूँ मैं स्कूल की। लेकिन आपका छोटा भाई क्लास का माहौल खराब करता है। क्लास का माहौल खराब करता है सर,
ये क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सिंचन क्लास का माहौल खराब करता है। अभी देख लो प्रिंसिपल साहब, आपकी क्लास का मॉनिटर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ भाई, मॉनिटर कैसे माहौल खराब करता है सिंचन, मुझे भी बताओ। सिंचन हम लोग की क्लास में जानबूझ के पाद मारता है। अबे क्या कर रहा है सर, अभी इसकी आप बातें सुनो। चलो चलो मॉनिटर, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। पागल वागल हो गया, सिंचन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। हामिद मुझे परमिशन दो, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ यार। नहीं नहीं चौप, पहले तो हम लोगों ने सिंचन का बंदोबस्त करना है, उसके बाद इसका बंदोबस्त करेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, रेडी हो जाओ। ठीक है सर, वो क्लास में बैठने के लिए कोई यूनिफॉर्म तो नहीं पहन के आना ना? क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स भी होंगे और सारे के सारे पेरेंट्स भी होंगे, और हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कोई भी फर्क ना दिखाई दे, इसलिए आपको अपना यूनिफॉर्म और स्कूल बैग पहन कर आना होगा। लेकिन स्कूल बैग तो मैंने 10 साल पहले ही फेंक दिया था। कोई बात नहीं, आप सिंचन का पुराना स्कूल बैग पहन कर आ जाना। अच्छा ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये मॉनिटर आपका ठीक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंचन को मॉनिटर बनाओ। जब तुम क्लासरूम में आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सिंचन को मॉनिटर बनाना चाहिए या फिर नहीं। अच्छा ठीक है सर, अभी आप जा सकते हो। और मेरी बात सुनो, सिंचन कोई पाद वाद नहीं मारता, ये काम तुम करते होगे? नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं करता, ये काम आपका छोटा भाई सिंचन करता है। अभी फौरन से पहले यहाँ से निकल जाओ, मेरे हाथ में देख रहे हो ना क्या चीज है? प्रिंसिपल साहब, ये बंदा मुझे गन दिखा रहा है। अबे किधर है गन, मेरे पास कोई भी गन नहीं है। प्रिंसिपल साहब, ये आपकी क्लास का मॉनिटर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया इसने। चलो मॉनिटर, हम लोग को जाना होगा। ठीक है सर, चलते हैं। सुन रहे चौप, सिंचन की कितनी ज्यादा शिकायतें आई हैं। अभी तो सिंचन छोटा है, सिंचन को प्लीज कुछ मत बोलना यार। एक सेकंड तो रुक, पहले मैं जरा सिंचन को ढूंढ तो लूं। सिंचन तू किधर है, तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? जवाब नहीं दे रहा है, मुझे पता है कि सिंचन वो रहा यार। गाइस आप लोग को यहां से दिख रहा होगा, सिंचन का मुंह मुझे यहां से दिखाई दे रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। सिंचन तू किधर है, तुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं जवाब दे रहा, मेरी बातें सुन रहा है लेकिन फिर भी मुझे जवाब नहीं दे रहा है। चालाकी कर रहा है, अपने बड़े भाई के साथ चालाकी कर रहा है। देख सिंचन, अगर तू मुझे मिल गया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। अरे हामदा, मैं तो स्कूल में हूँ। अच्छा तो तू स्कूल में? अरे हामदा, आपने मुझे ढूंढ लिया। मैंने तुझे ढूंढ लिया, तू यहाँ पे बैठ के बातें सुन रहा है? अरे हामदा, वो क्लास का मॉनिटर बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। अच्छा वो झूठ बोलते है, और प्रिंसिपल ने जो बोला है वो? मुझे तो लगता है कि प्रिंसिपल सर भी झूठ बोल रहे थे। फटाफट से रेडी हो जाओ, आज मैं भी तुम लोग के साथ तुम लोग की क्लासरूम में बैठूंगा। लेकिन हामदा, मैं आपके साथ क्लासरूम में नहीं बैठूंगा। फटाफट से रेडी हो जाओ, तेरी स्कूल बस आने वाली है। लेकिन हामदा, स्कूल बस तो चली गई। एक स्कूल बस चली गई, दूसरी अभी दोबारा यहाँ पर आने वाली है। मुझे फटाफट से कपड़े पहनने होंगे स्कूल के बच्चों वाले। अभी स्कूल का यूनिफॉर्म तो मेरे पास है नहीं, एक काम करता हूँ कि कोई अच्छे से कपड़े पहन लेता हूँ। हामिद मैं भी चलूंगा क्या यार? चौप, प्रिंसिपल ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स अलाउड हैं। हामिद मैं भी तो सिंचन का पेरेंट हूँ ना यार। तू सिंचन का पेरेंट कैसे हो गया? हामिद सिंचन मेरा भी तो भाई है ना यार। अच्छा चल ठीक है चौप, साथ में चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यार हामिद मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है यार। तुझे यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है चौप, देख तेरे गले में ये पट्टा है ना, ये काफी है। लेकिन यार हामिद भैया, मुझे लंच बॉक्स चाहिए होगा यार। अच्छा तो तुझे खाने की पड़ी है, मुझे पता है चौप तू स्कूल क्यों जा रहा है, और आज ना ही तुझे लंच बॉक्स मिलेगा और ना ही सिंचन को मिलेगा। मैं फटाफट से जाके देखता हूँ कि कपड़े मुझे कौन से पहनने चाहिए। ये वाले कपड़े भी ठीक थे, लेकिन प्रिंसिपल ने बोला कि स्कूल के बच्चों जैसे कपड़े पहनने, तो देखता हूँ कि मेरे पास अपने पुराने स्कूल के कपड़े हैं या फिर नहीं। काफी ज्यादा कपड़े ढूंढने की कोशिश की है बट मुझे यही कपड़े मिले हैं। चौप देख के बता के स्टूडेंट लग रहा हूँ क्या? हामिद भैया स्टूडेंट का तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी भिकारी लग रही हो यार। भिकारी बोल देता ना, अजीब सा बोलना जरूरी था क्या? अरे वाह हामिद, आप तो आज बिल्कुल छोटे बच्चे लग रहे हो। छोटा बच्चा मुझे बनना पड़ा है सिंचन, और वो भी तेरे लिए। तेरे स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पे इतनी ज्यादा बातें सुना के गया है मुझे, और साथ में तेरी शिकायत भी लगाई है उसने, और मुझे उसने ये भी बताया कि तू एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया। अरे हामिद, वो मैंने होमवर्क नहीं किया था इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। अच्छा चल छुट्टी का तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये बता कि 8 से 2 बजे तक तू जाता किधर था? अरे हामिद, पार्क में खेलने जाता था। काम देख चौप, सिंचन के काम देख, इसको थप्पड़ लगना चाहिए। अरे नहीं यार हामिद, थप्पड़ मारोगे तो मैं भी मारूंगा। ये देख चौप, ये क्या घंटा पड़ेगा स्कूल में। अरे यार सिंचन, हामिद बिल्कुल सही बोल रहे, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम छोटे हो यार। अरे नहीं यार चौप, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों से काफी ज्यादा बड़ा हूँ। फिक्र मत कर सिंचन, मैं भी आज तेरे साथ स्कूल जा रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि तू पढ़ाई में कैसा है। लेकिन यार हामिद, लगता है कि बस आ गई आवाज तो बस की मुझे भी आ रही है। आ जाओ सिंचन और चौप, साथ में चलते हैं। हामिद क्या सच में मैं भी चलूंगा क्या यार? आ जाओ चौप, स्कूल जाके देखेंगे कि क्या होता है। अरे वाह, ये सिंचन के स्कूल की बस है क्या? तो और क्या, आपके घर की बस है क्या? अबे कितने बदतमीज हो तुम, पिछले एक हफ्ते से घर की घंटियां बजा बजा के तंग आ गया हूं, लेकिन आपका भाई तो स्कूल आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ऑलरेडी प्रिंसिपल ने मुझे काफी ज्यादा बातें सुना दी हैं, अभी प्लीज तुम तो चुप कर जाओ। ठीक है बैठो अंदर, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें एडमिशन दिया किसने? अबे एडमिशन वगैरह नहीं लिया है मैंने, वो प्रिंसिपल ने बोला था कि आज सारे के सारे पेरेंट्स आएंगे और वो बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े पहन
करने की क्या जरूरत थी, जोकर लग रहे हो। सिंचन, अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? अरे यार हमें बहुत ज्यादा ओपी लग रहे हो, हमें इस फाइट ड्राइवर का मुंह तोड़ दूंगा। देखा कितना बदतमीज है ये। सिंचन ये बड़ा है, तुझसे तमीज से बात कर। लेकिन यार हमने अगर इसने आप पे कुछ बोला तो फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अभी बताओ जाना है स्कूल या फिर नहीं? हाँ हाँ स्कूल तो जाना है हम लोगों ने। ठीक है तो फिर बैठो। लेकिन तुम्हें बस चलाने आती है ना? अरे फिक्र मत करो, बैठो अंदर तुम। अरे यार हमने, मैं तो पहले बैठ गया। फिक्र मत कर सिंचन, मैं भी आ रहा हूँ। हम लोग ज्यादा लेट तो नहीं हुए ना? क्या टाइम हो रहा है? 8:11 हो रहे हैं। 8:30 स्कूल लगेगा। हामिद मुझे भी तो साथ में लेके चलो यार। अबे ड्राइवर एक सेकंड रोको। क्यों अभी क्या हो गया? पीछे एक बच्चे को भूल गए आप? किधर है? कोई भी बच्चा नहीं है, तुम दो ही तो थे। अरे नहीं नहीं आप बस पीछे लेके जाओ। क्यों क्या हुआ, कोई सामान वगैरह भूल गए हो क्या? सामान को छोड़ो, ये पीछे गाड़ी को ठोक दिया तुमने। इतना ज्यादा बोलोगे तो गाड़ी तो ठुकेगी ना, चुपचाप बैठे रहो। अच्छा ठीक है, लेकिन वो पीछे जाओ तो सही ना, चॉप को भूल गए हम लोग। चॉप कौन? ये डॉगी स्कूल जाएगा क्या? डॉगी नहीं है, ये इंसान है। अबे ये कैसा इंसान है? ऐसा इंसान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिकर मत करो, इंसान है बस, ये डॉगी वाला कॉस्ट्यूम पहन के रखा है इसने। अच्छा ठीक है, बस के अंदर नहीं, इसको बोलो बस के ऊपर खड़ा हो जाए। आ जा चॉप, फटाफट से बस के अंदर आके बैठ जा। मैंने बोला बस के अंदर नहीं, बस के ऊपर। अच्छा ठीक है, बस के अंदर बैठने दो, पहला दिन है इसका स्कूल का। मैंने बोला बस के ऊपर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है चॉप, जल्दी करना, किस चीज का वेट कर रहा है? हामिद बस के अंदर बैठूं या फिर ऊपर बैठूं यार? बस के ऊपर बैठ चॉप, लेट हो रहे हैं हम लोग। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग का पढ़ने का मूड है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जिस तरह खुद तुमने PhD किया हुआ है। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? नहीं मैं तो बस वैसे बोल रहा हूँ, क्या सच में तुमने कोई MBBS वगैरह किया हुआ है क्या? जहाँ पे तुम्हारा छोटा भाई सिंचन पढ़ता है मैंने वहाँ से MBBS किया हुआ है। हामिद ये क्या बोल रहे हैं, MBBS करके बस चला रहे क्या यार? एक मिनट, तुम भी सिंचन के स्कूल से पढ़े हो क्या? हाँ हाँ सिंचन के स्कूल से पढ़ा हूँ और इसलिए अभी बस चला रहा हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, जब तुम्हारा छोटा भाई सिंचन स्कूल से पढ़ के फारिग होगा उसके बाद ये कचरे उठाने वाला ट्रक चलाएगा। अरे यार हमें देखा, इसलिए तो मैं स्कूल जाता नहीं हूँ। सिंचन ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों के ऊपर गौर मत कर। अरे झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये स्कूल कितना दूर है? तुमने अभी तक सिंचन का स्कूल देखा ही नहीं है क्या? हमने नीचे गिरा दिया इस नूबड़े ड्राइवर ने मुझे यार। क्या कर रहे हो, तुमने चॉप को नीचे गिरा दिया है? तुम लोग बहुत ज्यादा लेट करवा रहे हो। गाड़ी तुम्हें चलाने आती नहीं और हम लोग को बोल रहे हो कि लेट करवा रहे हैं। आ जा चॉप, फटाफट से बैठ और संभल के बैठा कर। हमें मेरी क्या गलती है, नूबड़े को गाड़ी नहीं चलाने आती यार। अभी देखो तुमने बस बिल्कुल संभल के चलानी है, चॉप ऊपर बैठा हुआ गिर जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तो बस ठीक चला रहा हूँ, अपने डॉगी को बोलो कि सही तरीके से बैठे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये डॉगी नहीं है, और ये क्या कर रहे हो? सिग्नल तोड़ा और क्या कर रहा हूँ, टाइम देखा है तुमने? एक मिनट, क्या टाइम हो रहा है? अरे यार हमने स्कूल स्टार्ट होने में 4 मिनट रह गए। 4 नहीं सिंचन, सिर्फ 3 मिनट रह गए। अब ये 3 मिनट में हम लोग को कैसे स्कूल पहुँचाएगा? हमें तो दोबारा गिरा दिया इसने मुझे यार। अबे डॉगी एक काम करके तू वहीं पे गिरा रहे। अच्छा अच्छा एक सेकंड रुको, चॉप को हम लोग अंदर बिठाएंगे। अंदर नहीं, चॉप को नहीं लेके जाऊंगा। एक मिनट रुको तो सही ना, चॉप को हम लोग अंदर बिठा लेंगे। ठीक है, अगर अभी ये दोबारा गिरा तो फिर मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, आ जा चॉप, जल्दी कर बस के अंदर आके बैठ। हामिद बैठ गया हूं, बस के अंदर बैठ गया हूं यार। अभी ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। और स्कूल कितना दूर है? बस पहुंच गए हम लोग तुम्हारे स्कूल। लेकिन ये गोलियां क्यों चल रही हैं? लगता है कि किसी ने पुलिस के ऊपर अटैक कर लिया। अच्छा चलो छोड़ो, तुम सीधा जाने दो। लेकिन यार हमदे मैंने स्कूल नहीं जाना। सिंचन देख, हम लोग तेरे स्कूल तो आ गए हैं। चलो उतरो बच्चे, जाओ अभी स्कूल, प्रिंसिपल साहब तुम्हारी क्लास लेंगे। अरे यार हमदे प्रिंसिपल सर मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। फिकर मत कर सिंचन, मैं हूँ ना तेरे साथ, मुझे बता के क्लासरूम किधर है। हम लोग के स्कूल के अंदर तो क्लासरूम है ही नहीं। तो फिर तुम लोग पढ़ते किधर हो? हामिद मुझे तो लगता है कि सिंचन कभी स्कूल की क्लास के अंदर गया ही नहीं है, तो उसको पता कैसे होगा यार? क्या बात कर रहा है सिंचन, तू आज तक क्लासरूम के अंदर नहीं गया क्या? अरे हाँ ना हामिद, मैं आज तक क्लासरूम के अंदर नहीं गया, मुझे तो पता ही नहीं कि क्लासरूम है किधर। अच्छा चलो ठीक है, सामने की तरफ जाके देखते हैं। मेरे ख्याल से सिंचन के स्कूल का दरवाजा यही है। लेकिन हामिद मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग पूरा स्कूल घूम लेते हैं यार। हाँ ये भी अच्छी ऑप्शन है, पहले हम लोग सिंचन के स्कूल को देख लेते हैं कि यहाँ पे है कौन कौन सी चीजें। इस बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर तो क्लास रूम्स हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। वॉचमैन भी खड़ा हुआ है। अरे अरे तुम किधर जा रहे हो? मैं क्लास लेने के लिए आया हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लास रूम सामने की तरफ है। लेकिन अंदर जाने का रास्ता किधर है? फ्रंट साइड से अंदर का रास्ता है। चलो ठीक है, अंदर तो हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल तो मेरी अपनी स्कूल की यादें ताजा हो गई हैं। और ये देखो यार गाइस, बेंच पे दो बंदे बैठे हुए हैं। और एक मिनट, ये जमीन के अंदर क्यों घुसा हुआ है? अबे बाहर निकल, ये क्या जमीन के अंदर पूरा ही चला गया। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा तो ये कॉलेज है, स्कूल किधर है? स्कूल तो बैक साइड पर है। आ जा सिंचन, हम लोग को बैक साइड पे जाना है और तुझे पता नहीं है कि तेरा स्कूल किधर है? अरे यार मैं तो कभी अंदर आया ही नहीं। इतनी मुश्किल से जॉब करके मैंने तेरे
स्कूल की फीस जमा की और तू अंदर जाता ही नहीं है, ये क्या हो रहा है? अरे यार हमें यहाँ पे ये सारे के सारे लोग रनिंग करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा तेज तो मेरी स्पीड है। हाँ भाई क्या कर रहे हो? जॉगिंग कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तुमसे तेज तो मेरे चलने की स्पीड है। हाँ तो फिर जाके चलो ना, मैं क्या करूँ। सिंचन ये कितना बदतमीज है, ये तेरी क्लास का स्टूडेंट है क्या? अरे नहीं यार हमने, ये कॉलेज के लड़के हैं। अच्छा तो ये वाली साइड कॉलेज की है? हाँ यार हमने, ये पूरा का पूरा प्लेग्राउंड कॉलेज के स्टूडेंट्स का है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं ना कि स्कूल साइड पे चलते हैं, ये तो मेरे ख्याल से बड़े बच्चों की जगह है। तो यार गाइस फाइनली हम लोग सिंचन के स्कूल के बाहर पहुंच गए हैं। और वॉचमैन तुम मुझे ये बताओ कि ये रास्ता स्कूल के अंदर जाता है क्या? तो और क्या, हेवन के अंदर जाता है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा तमीज से बात करो, मैं इस छोटे बच्चे का पेरेंट हूँ। जाओ जाओ, मैंने जॉब ही नहीं करनी। अबे यहाँ पे खड़े होके सिक्योरिटी दो। नहीं नहीं तुम लोग को सिक्योरिटी देने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसा वॉचमैन है यार गाइस। खैर हम लोग चलते हैं अंदर सिंचन के स्कूल के। अरे वाह सिंचन, तेरे स्कूल में तो कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। एक काम करते हैं कि फटाफट से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अरे यार हमने ये कोल्ड ड्रिंक सिर्फ नाम किए, ये तो मशीन चलती नहीं है। अच्छा तो ये मशीन चलती नहीं है, और ये क्या चीज है? अरे यार हमने, इसके अंदर बड़े बड़े बच्चों ने अपने सामान को रखा होता है। बड़े बच्चे क्या मतलब? जैसे कि मेरे जैसे बड़े बच्चे। अच्छा तो तू बड़ा बच्चा है। यहाँ पर तो सफाई वगैरह का सामान भी पड़ा हुआ है, और ये क्या है? ये तो मुझे नहीं पता हमने, ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मैं बताता हूँ सिंचन, ये सारे के सारे टीचर के पीरियड्स हैं, और दिन में तुझे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं क्या? मुझे क्या पता हमदे, मैं तो कभी यहाँ पर आया ही नहीं। अच्छा तो सिंचन तू कभी अपने क्लासरूम के अंदर आया ही नहीं है। एक काम करते हैं कि अंदर जाके देखते हैं। हमदे मुझे बहुत डर लग रहा है यार। नहीं नहीं चौप, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सामने कौन है? अरे यार हमदे ये तो वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल भी तुम लोग को पढ़ाता है क्या? अरे यार हमदे मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग निकलते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हाँ स्टूडेंट्स तो वाकई में काफी ज्यादा हैं, क्या बोलते हो चलें क्या अंदर? हमदे आप अपना हुलिया देखो यार, क्या बन के आ गए यार। चौप मैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर आया हूँ, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आए हैं। अरे हाँ हाँ मैं, इस स्कूल में सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा तैयार होकर आते हैं। तो फिर क्या करूँ, कपड़े वपड़े चेंज करूँ क्या? हमें अभी तो कपड़े चेंज नहीं हो सकते, अभी इसी तरह जाना होगा हम लोग को यार। चलो ठीक है फिर आ जाओ, चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग टीचर। अबे मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आओ आओ, तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम हामिटी है। लेकिन दिखने में तो कोई भिखारी लग रहे हो। अबे सर क्या हो गया, पागल वागल हो गए हो क्या? आप लोग को बात करने की तमीज नहीं है क्या? मेरे साथ ज्यादा जबान मत चला, चुप करके जाके पीछे बैठ जाओ। अच्छा ठीक है जाके बैठ रहा हूँ। अरे यार हमें देखा, ये कितना ज्यादा बदतमीज है। सिंचन वो सब तो ठीक है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह होती नहीं है, बैठने की जगह ढूंढनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ कहीं पे कोई ना कोई बैठने की जगह देख लेता हूँ, मगर नहीं यार गाइस यहाँ कहीं पे तो मुझे कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पे बैठेंगे हम लोग? और एक मिनट जिमी। अरे फ्रैंकलिन चाचू चुप करके बैठ जाओ, टीचर बहुत खड़ूस है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं फ्रैंकलिन चाचू, मैं उठ जाऊं क्या? नहीं नहीं जिमी तुम बैठे रहो, इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके सिंचन का मैंने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया था। आप लोग देख सकते हो कि यार गाइस माइकल का बेटा भी यहाँ पे पढ़ता है। और एक मिनट, ये तो प्रेसिडेंट की बेटी है। सारे के सारे अमीर लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मगर बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही। थोड़ी सी जगह दे दोगे बैठने के लिए? अबे निकल काले कहीं के, तुझे जगह नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे तो ज्यादा ही गोरा हूं। अबे निकल काले, जगह नहीं दूंगा। क्लास से बाहर निकलो फिर तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। और अभी क्या करें, जगह तो है ही नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, खाने खा रहे हो क्या? अरे हम लोग तो बैक बेंचर्स हैं, हम लोग क्लास के अंदर खाना भी खा सकते हैं। अच्छा तो ये बैक बेंचर्स क्लास में बैठ के खाने वाने खा रहे हैं, और ये क्या किया तुमने? टीचर का लेक्चर समझ में नहीं आया तो फुटबॉल बना दिया। किसका? कागज का फुटबॉल? हाँ कागज का फुटबॉल, नहीं तो फिर क्या, आइटम बम है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तमीज तो किसी को भी नहीं है बात करने की। आगे वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना, ये लोग कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाएंगे। अबे लड़के क्या नाम बताया था तूने? सर हामिटी नाम बताया था। तो बैठो ना वहाँ पे, क्या कर रहे हो? कहाँ पे बैठो सर, जगह ही नहीं है। अबे बैक बेंच वाले तीन बंदे, तुम उठ जाओ यहाँ से। चलो भाई वाइस प्रिंसिपल बोल रहा है कि उठ जाओ यहाँ से। तू जरा हमें बाहर मिल, तेरा बंदोबस्त करते हैं। अच्छा अच्छा अभी निकलो फिलहाल, फिर बाहर भी तुम लोग से मिलूंगा। आ जा सिंचन और चौप, सीट मिल गई हम लोग को। लेकिन हम लोग आगे बैठेंगे। नहीं नहीं आगे नहीं सिंचन, मेरे ख्याल से पीछे ठीक है। अरे नहीं हाँ हम लोग आगे बैठेंगे। जिद कर रहा है सिंचन, पढ़ाई शढ़ाई करनी है नहीं इसने, और बोल रहा है कि आगे बैठना है। अबे अभी क्या हो गया तुम लोग को? सर वो बैठने की जगह ही नहीं है, इतना गंदा है स्कूल है आप लोग का। तो निकालो अपने बच्चे को यहाँ से। अरे फ्रैंकलिन चाचू क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ ना कहीं पर। नहीं है ना जिमी, जगह नहीं है। सिंचन बोल रहा है कि फ्रंट सीट पे बैठना है, और फ्रंट सीट पे तो ये दो लोग बैठे हुए हैं। तुम्हें पता है कि आज तुम लोग का टेस्ट है? जी सर मुझे पता है। लेकिन सर मुझे नहीं पता। पता चल जाएगा
थोड़ी देर के अंदर पहले बैठने का बंदोबस्त करो। सर वो क्या है ना कि फ्रंट सीट चाहिए हम लोग को। अच्छा चलो ठीक है, खुशी और हंसी तुम लोग उठ जाओ। हैं ये खुशी और हंसी कौन है? अबे ये उन सामने वाली दो लड़कियों का नाम है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, उनको बोलो ना कि अभी हट जाएं, हम लोग बैठ जाते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, सबर करो। ठीक है सर, वेट करो, सिंचन फ्रंट सीट मिलने वाली है हम लोग को। अरे हाँ ना, हाँ ना, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। चल आ जा भाई, सिंचन और चौप चेयर्स खाली हो गई है, फटाफट से कोने वाली चेयर में बैठ जाता हूँ। आ जा चौप, तू किसका वेट कर रहा है? अरे अरे क्या मतलब आ जा चौप, ये डॉगी भी क्लास के अंदर बैठेगा क्या? अरे नहीं नहीं सर, डॉगी नहीं है, चॉप नाम है इसका, इंसान है, डॉगी वाला कॉस्ट्यूम पहन के रखा है। अबे तू मुझे पागल समझता है क्या? अभी सर देखो, ये भी तो पढ़ना चाहता है ना, इसका भी तो दिल है, ये भी तो बड़ा इंसान बनना चाहता है। अबे क्या बात कर रहे हो, बड़ा इंसान कैसे बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये कभी भी इंसान नहीं बनेगा। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि ये भी कामयाब होना चाहता है। कामयाब होना चाहता है तो इसको बोलो कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा हो जाए, हम लोग की क्लास में एनिमल्स अलाउड नहीं है। हाँ ना सर, देखो ये सिंचन कब से क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं तो बोलता हूँ कि सिंचन और इसके बड़े भाई और इस डॉगी को लात मार के क्लास से बाहर निकाल दो। अबे पागल पागल हो गया क्या, चुप करके बैठ, मैं तेरे से थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। तो फिर क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम लोग की क्लास पहले कौन सा पढ़ रही है, वो देखो पार्टियां चल रही है पीछे, तो हम लोग को तो पढ़ने दो ना। ठीक है तो फिर पढ़ो ना, तुम लोग यहाँ पे किताबें खोलो पढ़ो। जैसा छोटा भाई सिंचन वैसा ही उसका बड़ा भाई। सर मैं बता रहा हूँ ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। तुम अपने इस डॉगी को लेकर निकलो या फिर खुद भी निकलो। अच्छा एक मिनट रुको चौप, अभी क्या करें? ये तो मुझे क्लास के अंदर बैठे नहीं दे रहा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लोग बहुत बुरे हैं यार। एक मिनट रुक चौप, मेरे पास एक प्लान है। अभी क्या हुआ? तुम वाइस प्रिंसिपल हो ना? हाँ सही बोला तुमने। तुम्हें पता है कि तुम लोग का प्रिंसिपल मेरे घर में आया था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं सिंचन के स्कूल के अंदर आऊं और इसीलिए मैं आज यहां पर आया हूं। तो तुम्हें बोला था ना इस डॉगी को, थोड़ी ना बोला था? पहली बात तो ये डॉगी नहीं है, इसका नाम चौप है, और दूसरी बात ये कि प्रिंसिपल ने इसको स्पेशल इनविटेशन दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया क्या इसको? हाँ प्रिंसिपल साहब ने बुलाया इसको। चलो चलो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जा चौप फटाफट से आके बैठ जा। तो तुम सब लोग टेस्ट के लिए रेडी हो क्या? अरे हाँ ना सर, मैं तो रेडी हूँ। सिंचन टेस्ट की तैयारी की है क्या? अरे नहीं हाँ ना, मुझे सारे के सारे टेस्ट आते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। अच्छा ठीक है सर, हम लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं। ठीक है तो तुम लोग का पहला सवाल, हाथी जब चलता है तो अपनी दुम क्यों हिलाता है? हाथी चलता है तो ये कैसा सवाल है? अबे जवाब दो, ये कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन सेंस है क्या सिंचन तेरे में? अरे हाँ ना हाँ ना, बहुत ज्यादा है। तो फिर जवाब दो जल्दी करो, हाथी जब चलता है तो अपनी दुम क्यों हिलाता है? सिंचन क्या जवाब है इसका? क्योंकि हाँ ना, हाथी के दुम में इतनी ताकत नहीं होती कि वो हाथी को हिला सके। हाँ अभी समझ आई तुम्हें? हैं ये कैसा जवाब है? देखो बात सिंचन ने बिल्कुल ठीक की है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, दूसरा सवाल। हाँ हाँ सर, दूसरा सवाल भी पूछो। दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना जानवर कौन सा है? दिखने में तो आप लग रहे हो। अबे बदतमीजी नहीं करनी। अभी सर आप एक काम करो ना कि बाकी बच्चों से भी तो सवाल पूछो, ये लोग क्या यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए हैं क्या? पूछूंगा पूछूंगा, सबसे सवाल पूछूंगा, पहले तुम्हारी बारी। अरे सर आप क्यों इन पे टाइम जाया कर रहे हो, ये लोग पढ़ने वाले नहीं है। कौन बोला बे? मैं बोल रहा हूँ क्या करेगा। सर देखो आप इसको समझा लो, एक तो ये क्लास में बैठ के खाने खा रहे, ऊपर से बीच में जबान भी चला। हाँ तो जबान चलाऊंगा तू क्या करेगा, मुझे भूख लगती है खाऊंगा, मैं अपने पैसों का खा रहा हूँ तेरा खा रहा हूँ क्या? चुप हो जाओ बिल्लू। हाँ बिल्ली चुप हो जाओ। अबे बिल्ली नहीं, बिल्लू नाम है उसका। हाँ बिल्ली या फिर बिल्ला जो भी है सर, बदतमीजी कर रहा है बीच में बोल रहा है। ठीक है तो तुम लोग बताओ के पुराना जानवर कौन सा है? पुराना जानवर कौन सा है सिंचन? अरे हाँ दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना जानवर तो डायनासोर है। अबे पागल हो गए हो क्या, वो तो खत्म हो गया ना दुनिया से, ऐसा जानवर बताओ जो कि अभी भी रहता हो। अभी भी रहता हो और पुराना भी हो। चौप तेरी कितनी एज है? हमें तो यही कोई 10-15 साल होगी यार। अच्छा तो फिर पुराना जानवर कौन सा है? अरे सर सबसे ज्यादा पुराना जानवर तो मगरमच्छ है। गलत जवाब, तुम लोग टेस्ट में फेल हो गए हो। अच्छा अच्छा सर एक सेकेंड ना, एक चांस और भी दो, हम लोगों ने एक जवाब तो सही दिया था। कौन सा जवाब सही दिया तुम लोगों ने? वो हाथी वाला। हाँ ना सर, वो हाथी वाला जवाब ठीक था वैसे। क्लास तुम लोग को पता है कि सबसे पुराना जानवर कौन सा है? जी सर मुझे पता है, ये जो अगली बेंच पे बैठे हुए ये लोग। अभी देख लो सर ये बदतमीजी करे, मैं आपको बता रहा हूँ मैं फोड़ दूंगा इनको। अबे चिंटू चुप करके बैठ, क्लास से बाहर निकलो, मैं तुम सबका बंदोबस्त करूंगा। जवाब आता है या फिर नहीं? जवाब आता है सिंचन या फिर नहीं? अरे यार हमदा मुझे थोड़ा सा सोचना होगा। जल्दी कर सिंचन, जल्दी से सोचना होगा तुझे। अरे यार हमदा याद आ गया। बता सिंचन बिंदास बता इसको। दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना जानवर तो जेब्रा है। हैं जेब्रा कैसे पुराना हो गया? हाँ वैसे सिंचन जेब्रा कैसे पुराना हो गया? क्योंकि यार हमदा जेब्रा अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है। वाह भाई सिंचन वाह, सर आप देख रहे हो ना कि सिंचन
सिंचन में कितना ज्यादा टैलेंट है। अबे ये क्या बोले हो, पागल हो गए हो क्या? सर पागल नहीं हो गए, सिंचन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आप दूसरा सवाल पूछो। हाँ वैसे अगर देखा जाए तो बात ठीक है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ ना सर, सिंचन काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए तो ये क्लास में आता नहीं है। ये सारे के सारे नूबड़े बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को आता वाता कुछ है नहीं, बस खाना पीना खाने के लिए आ गए। अच्छा अच्छा चलो रुको, तुम्हारा तीसरा सवाल। लेकिन सर ये आखिरी सवाल होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ये आखिरी सवाल होगा तुम लोग का, और इसका जवाब ये डॉगी देगा। अमित दोबारा डॉगी बोल रहे, इसको बताओ कि डॉगी नहीं चॉप नाम है मेरा। हाँ सर इसका नाम चॉप है, चॉप के बुलाओ इसको। ठीक है तो चॉप तुम मुझे ये बताओ कि जिस बंदे को सुनाई नहीं देता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमित मुझे तो हिंदी सही से पूरी नहीं आती है, ये मुझसे इंग्लिश के सवाल पूछ रहा है यार। हाँ वैसे देखो ये अनफेयर हो रहा है, चॉप से कोई आसान सा सवाल पूछो। ठीक है तो फिर तुम बताओ। हाँ क्या सवाल था? जिस बंदे को सुनाई नहीं देता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिंचन? अरे हाँ मुझे तो नहीं पता। अरे फ्रैंकलिन चाचू बताओ बताओ। जिमी तुम्हें पता है क्या? नहीं नहीं फ्रैंकलिन चाचू मुझे तो नहीं पता। तो फिर तुम में से अगर किसी को पता है तो जवाब बता दो। नहीं तुम्हें अपना जवाब खुद देना होगा। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोग को भी इंग्लिश नहीं आती है, जल्दी से जवाब दो नहीं तो क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन सर आप सबसे पहले यहाँ पर आके हम लोग का टेस्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि टेस्ट हमेशा फ्रंट सीट से स्टार्ट होता है। तुम लोग को किसने बोला था कि यहाँ पर बैठ जाओ? सिंचन ने बोला था। अरे हाँ मुझे क्या पता था कि ये टेस्ट लेगा। अभी बता सिंचन उसको क्या बोलेंगे जिसको सुनाई नहीं देता? अरे हाँ उसको कुछ कहने की क्या जरूरत है, उसको तो वैसे ही सुनाई नहीं देगा। सर सुना आपने? हैं ये कैसा जवाब है? सर देखो मुझे बताओ कि आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जिसको सुनाई नहीं देता उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो सर यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप उसको जो मर्जी बोल लो उसको कौन सा सुनाई देता है। निकल जाओ तुम तीनों के तीनों क्लास से बाहर। अरे हाँ मैं देखा ये लोग बहुत ज्यादा गंदे हैं। सिंचन मेरे ख्याल से तो हम लोग को निकलना चाहिए, मगर एक सेकंड सर ये क्या कर रहा है पीछे? ये हम लोग का साइंटिस्ट है। हाँ भाई साइंटिस्ट अंकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, साइंस के स्टूडेंट्स का काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी कौन सा काम कर रहे हो मुझे भी दिखाओ। एक फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ, चाहिए क्या तुम्हें? अच्छा तो साइंस लैब का काम क्लासरूम में कर रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं साइंस का टीचर हूँ, इसके बाद मेरी क्लास है। अच्छा तो इसके बाद तुम साइंस पढ़ाओगे? फिक्र मत करो तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है ना, बताओ लेकिन इस वाली बोतल के अंदर क्या है? तो मैं क्यों बताऊँ, साइंस की क्लास में आ जाना बता दूंगा। चलो ठीक है कोशिश करूंगा आने की। जल्दी से निकलो बाहर। हाँ ठीक है सर निकल रहा हूँ, आपके सवाल ही कुछ ज्यादा ही अजीब से थे। आ जाओ सिंचन और चॉप, हम लोग को घर चलना चाहिए। लेकिन यार हमने ऐसे तो ये हम लोग को स्कूल से निकाल देगा। तुम्हें घर जाने का किसने बोला है? तो फिर सर क्या करूँ, यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ क्या? अभी साइंस की क्लास चल रही है वो खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाता हूँ। लेकिन सर वो प्रिंसिपल के पास जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई सिंचन को हम लोग को स्कूल से निकालना होगा। लेकिन इसने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था। गलत जवाब दिया था, बिल्कुल गलत जवाब दिया था। अरे हमने मैंने आपके सामने बिल्कुल लॉजिकल जवाब दिया था इसको। इसको नहीं सिंचन, इनको वाइस प्रिंसिपल है तेरा। लेकिन हमने ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। बड़ा है सिंचन, बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सर हम लोग भी साइंस की क्लास के अंदर बैठना चाहते हैं। साइंस की क्लास बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें पता है कि इस क्लास में लैब टेस्टिंग भी होती है? लैब टेस्टिंग तो ठीक है, उस टीचर के पास एक बोतल भी थी वो देखो ऊपर पड़ी हुई है। इस वाली बोतल के अंदर ये वाला साइंस का टीचर काफी दिनों से कोई ना कोई केमिकल बना रहा है। अच्छा लेकिन ऐसा कौन सा केमिकल है? तुम लोग के बस की बात नहीं है, चुपचाप हाथ खड़े करो। लेकिन सर हाथ क्यों खड़े करूं? क्योंकि तुम लोग को डंडे पड़ेंगे। अरे यार हमें देखा ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक मिनट ये किस तरह की आवाज थी? लगता है कि साइंस की क्लास में ब्लास्ट हो गया। एक मिनट यार गाइस ये क्या कर दिया इसने, धुआं निकल रहा है, काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है। अरे यार हमें ये इन लोग को क्या हो गया? एक मिनट सिंचन ये क्या हो रहा है? हमें तो मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग को यहाँ से निकलना होगा यार। निकलो भाई जल्दी से निकलो, ये पता नहीं क्या हो गया यार गाइस, ये किस तरह के लोग बन गए। निकलना होगा हम लोग को फौरन से, पहले निकलना होगा। अमित मुझे तो लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बी बन गए यार। किधर गई मेरी गन, किधर गई? एक सेकंड रुक जा। चॉप तू ठीक तो है ना? अमित मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा है यार। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने मुझे भी काट लिया है। आई होप यार गाइस इन लोगों ने मुझे काटा नहीं होगा। अरे यार हमने मुझे भी बाहर निकालो। एक सेकंड रुक जा सिंचन, पहले मुझे इन लोग को मारने तो दे। एकदम से यार गाइस ये सब के सब ज़ॉम्बीज कैसे बन गए, और इनका टीचर किधर है? ये तो
काफी ज्यादा बड़ा मसला हो गया है, मुझे फौरन से पहले इन लोग को मारना होगा। यार गाइस ये लोग मेरे करीब आ रहे हैं, पूरी की पूरी क्लास के स्टूडेंट्स यार गाइस ज़ॉम्बी बन गए एक सेकंड में। कैसे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है? और एक मिनट, ये काफी ज्यादा मेरे करीब आ गई है। आई होप कि यार गाइस इन लोगों ने मुझे काटा नहीं होगा अभी तक। अरे यार हमें आपको जल्दी से भागना होगा। एक सेकंड सिंचन, ये नहीं मर रही, ये वाले ज़ॉम्बीज ऐसे नहीं मरेंगे। क्या करूं, मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। प्रेसिडेंट की बेटी भी ज़ॉम्बी बन गई। अगर तो मेरे पास ये वेपन ना होता तो यार गाइस अभी मैं भी मर चुका होता। मगर एक मिनट, ये वाले ज़ॉम्बीज ऐसे नहीं मरेंगे यार गाइस, मुझे किसी और तरीके से इन लोग को मारना होगा। सिंचन और चॉप तुम लोग किधर हो? अरे यार हम लोग बाहर हॉल में आपका वेट कर रहे हैं। तुम लोग के पास कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है ना? अरे नहीं यार हम लोग के पास तो कोई नहीं है। एक मिनट यार गाइस, मुझे जिमी को भी मारना होगा, ये माइकल का बेटा है। लेकिन अभी ये ज़ॉम्बी बन गया तो मुझे इसको मारना होगा। और एक सेकंड, ये बिल्लू को क्या हो गया है? अबे मुझे खाना चाहिए। ये ले, फिलहाल तो तुझे मैं यही खाना दे सकता हूँ क्योंकि अभी तू ज़ॉम्बी बन गया है। पूरे के पूरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स यार गाइस ज़ॉम्बी बन गए, निकलना होगा मुझे। सिंचन और चॉप तुम लोग किधर हो? अरे यार हमदे बाहर आपका वेट कर रहे हैं। एक मिनट तुम लोग रुको, मैं बाहर आ रहा हूँ। लेकिन यार हमदे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। सिंचन और चॉप तुम लोग एक काम करो। हामिद भाई ये कैसा स्कूल है यार? तुम लोग को मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल वैसा करो। ये वाली गाड़ी पकड़ो और फौरन से पहले घर निकलो। लेकिन यार हामिद, हम लोग आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। सिंचन और चॉप जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है हामिद भैया, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र करने की तुम लोग को जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है हामिद भैया, हम लोग घर जा रहे हैं। एक मिनट यार गाइस, काट लिया इसने मुझे लगता है कि इसने काट लिया है। हामिद भैया आप ठीक तो हो ना यार? मैं ठीक हूँ चॉप, तुम लोग जल्दी से घर जाओ। पूरे के पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स यार गाइस ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। लेकिन मैंने सिंचन और चॉप को घर भेज दिया क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और लगता है कि अभी इन सब लोग को मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा। कमांडर साहब, आज इतने दिनों के बाद कॉल कैसे की? मुझे अपना पूरा का पूरा यूनिट अभी इसी वक्त लॉस सेंटोस के स्कूल में जाइए। जी ठीक है सर, हम लोग अभी आते हैं। और एक और काम तुम लोगों ने करना है। जी सर बोले। लॉस सेंटोस के स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और मैं चाहता हूँ कि ये वाला ज़ॉम्बी वायरस इस वाले स्कूल से बाहर ना निकले। जी सर, अगर तो ये ज़ॉम्बी वायरस यहाँ से बाहर निकला तो पूरा का पूरा लॉस सेंटोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तुम लोग को अच्छे से पता होगा कि हम स्पेशल फोर्सेस वालों का क्या काम होता है। जी सर मैं आपकी बात समझ गया हूँ, हम लोग अंडरकवर एजेंट्स हैं। और तुम लोग को ये भी पता होगा कि जो काम पुलिस और आर्मी नहीं कर सकती है वो काम करना हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, स्कूल को हम लोग चारों तरफ से घेर लेंगे। हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, तुम लोग को जो भी करना है जल्दी करना होगा। लेकिन सर आपके साथ कोई है क्या? तुम शायद भूल गए हो कि मैं स्पेशल फोर्सेस का कमांडर हूँ। मुझे अच्छे से याद है सर, आप अकेले 1000 के बराबर हो। तुमने बिल्कुल सही बोला है, अभी टाइम आ चुका है अपनी ड्यूटी को पूरा करने का। लेकिन उससे पहले मुझे इस वाले क्लासरूम के अंदर बैठ के अपने लिए एक सीक्रेट बेस बनानी होगी क्योंकि इस वाले स्कूल के अंदर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुकी हैं। मुझे उन सबको खत्म करना है और थोड़ी देर के अंदर स्पेशल फोर्सेस इस वाले स्कूल को चारों तरफ से घेर लेंगी। मैं भी तब तक अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के आप लोग से मिलता हूँ। अपना फर्ज पूरा करने का टाइम आ चुका है, मुझे अकेले इस पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को बचाना होगा। और इसीलिए मेरे पास अपना स्पेशल वेपन भी है यार गाइस, ये वाला वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं अभी आप लोग को इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक बुलेट यहाँ पे फेंकता हूँ, दूसरा बुलेट मुझे फेंकना होगा यहाँ पर। मगर एक मिनट, ये वाले ज़ॉम्बी तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। लेकिन हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है यार गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला वेपन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार सकता है। लेकिन दिक्कत ये कि ये रिलोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है। मगर कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी फेवरेट शॉटगन भी है। लगता है कि स्पेशल फोर्सेस वालों ने अपना काम कर दिया है। और एक मिनट सर, आप तो वाइस प्रिंसिपल हो ना? हाँ बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन मुझे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है, अभी मैं भी ज़ॉम्बी बन गया हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें काट लूँ तुम मुझे मार देना, लेकिन मेरी एक बात सुनो। लॉस सेंटोस के स्कूल में ये सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम थे और तुम्हें कुछ भी करके इस वाले ज़ॉम्बी वायरस को इसी स्कूल के अंदर खत्म करना होगा। और हाँ मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम स्पेशल फोर्सेस के बंदे हो। सर मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ और किसी को भी पता नहीं है कि मैं स्पेशल फोर्सेस के अंदर हूँ। सबको यही लगता है कि मैंने स्पेशल फोर्सेस से रिजाइन दे दिया है, बट नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगी और जब भी मौका मिलेगा मैं लॉस सेंटोस को बचाऊंगा। ठीक है तो फिर हामिटी मेरी बात सुनो, ये वाला ज़ॉम्बी वायरस साइंस के टीचर ने फैलाया है। क्या मतलब, जानबूझ के फैलाया क्या उसने? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, जानबूझ के फैलाया उसने। और जब मैंने उसको मारने की कोशिश की तो उसने अपने आप को खुद ही मार दिया और फिर जैसे ही वो ज़ॉम्बी बना उसने मुझे भी काट लिया, अभी मैं भी थोड़ी देर के अंदर ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। लेकिन सर ये ज़ॉम्बी वायरस खत्म कैसे होगा, एंटीडोट किधर है? एंटीडोट नहीं है हामिटी, इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, सिर्फ एक ही हल है। इस वाले स्कूल की चार दीवारी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम्हें सबको मारना होगा। लेकिन सर मैं स्टूडेंट्स को नहीं मार सकता हूँ। देखो हामिटी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले फ्रंट बेंच पर बैठ के हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया, लेकिन अभी हामिटी देखो एक ही
लम्हे में सब कुछ बदल गया। हाँ सर, ये तो आप सही बोले हो, एकदम से सब कुछ ही बदल गया है। इसलिए आमेटी तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस स्कूल के सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करोगे, ताकि ये वाला ज़ॉम्बी वायरस लॉस सैंटोस के अंदर ना जाए। ठीक है सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इस बार स्कूल की बाउंड्री के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं मैं सबको अकेला मारूंगा। ठीक है तो फिर आमेटी शुरू करो। ठीक है सर, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, तो सबसे पहले शुरुआत मुझे आपसे करनी होगी। शाबाश आमेटी, तुम सचमुच में स्पेशल फोर्सेस के बंदे हो, और मुझे अच्छे से पता है कि स्पेशल फोर्सेस के बंदों के अंदर इमोशंस नहीं होते, वो हमेशा वही करते हैं जो कि देश के लिए जरूरी होता है, और इसलिए अभी सोचो मत, खत्म कर दो मुझे। सॉरी सर, मुझे ये करना पड़ा। सिंचन के स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बताया कि आगे मुझे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना है। फटाफट से बाहर जाके देखता हूँ, और ये पेड़ भी अंदर आ गए हैं। खतरनाक है यार गाइस, ये वाला ज़ॉम्बी वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह का ज़ॉम्बी वायरस हम लोगों ने पहले नहीं देखा है। मगर एक सेकंड यार गाइस, ज़ॉम्बीज यहाँ पे काफी ज्यादा है, और इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज को मैं शॉटगन से तो नहीं मार सकता हूँ। मेरा मिशन है यार गाइस, मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करना है, और इन सबको खत्म करने के लिए मुझे इस वाले वेपन से इनको शूट करना होगा। धीरे धीरे ये लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, और ये वाला वेपन मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा। हाँ यार गाइस, मुझे अपना वेपन चेंज करना होगा, और इसी के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस वालों ने अपना काम तो कर दिया है। इस बार स्कूल को इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और ये वाला रास्ता है मेरे बाहर निकलने का। लेकिन अभी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे पहले सारे के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा, और इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने के लिए मुझे ये वाली गन चूज करनी होगी। एक एक करके मैं सारे के सारे एरिया को क्लियर करूंगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सामने की तरफ। तो यार गाइस, ये वाली जगह सिंचन के स्कूल की एंट्रेंस है। आप लोग को पता होगा कि यहाँ से हम लोग अंदर गए थे, और हम लोग को स्कूल बस ने उतारा था बिल्कुल इस वाली जगह पर। अभी तो एकदम से सब कुछ बदल गया है, बट यार गाइस मैं सब कुछ ठीक करूंगा। लेकिन हम लोग जो भी काम करेंगे प्लान के अकॉर्डिंगली करेंगे। सबसे पहले मुझे राइट साइड को क्लियर करना है, उसके बाद मैं लेफ्ट साइड को क्लियर करूंगा। फटाफट से जाके देखता हूँ कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। फिलहाल तो मुझे कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये कि यार गाइस राइट साइड क्लियर है। अभी हम लोग को क्लियर करनी होगी जाके लेफ्ट साइड, उसके बाद इन वाली बिल्डिंग्स की छतों पे भी जाके हम लोग देखेंगे। क्योंकि यार गाइस, मैं नहीं चाहता कि इस वाले स्कूल के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी जिंदा बचे। और अगर आप लोग भी यही चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ यार गाइस, मुझे अभी आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि इतने बड़े स्कूल के अंदर मैं अकेला हूँ, और मेरा मिशन भी काफी ज्यादा मुश्किल है। मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारना है, और अगर एक दफा ये सब के सब ज़ॉम्बीज मर गए तो ये वाला स्कूल वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप सब लोग भी अपने स्कूल से प्यार करते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करके पावर्स देना चाहते हो तो कमेंट करके हामेटी ओपी लिख देना। मैं तब तक अपने मिशन को कंटिन्यू करता हूं। लेफ्ट साइड तो सारे के सारे क्लियर हो गई है, मगर यहां पे सेंटर पे भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। मेरे पास एक और प्लान है, मुझे अभी यहां पे रॉकेट लॉन्चर को यूज करना होगा, क्योंकि यार गाइस ये ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा होती जा रही है। और एक मिनट, वॉचमैन भी ज़ॉम्बी बन गया है। क्या हो रहा है यार गाइस, ये वाले ज़ॉम्बीज मर भी नहीं रहे, लेकिन इनको मारने का तरीका मुझे पता है। जैसे ही मैं इनको हेडशॉट मारूंगा उसके बाद ये वाले ज़ॉम्बीज मर सकते हैं। और एक मिनट, ये कॉल कहां से आ गई? सर, आपको हम लोग की जरूरत है क्या? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अकेला 1000 के बराबर हूँ। ठीक है सर, अगर हम लोग की जरूरत पड़े तो जरूर बताना। हाँ ठीक है, तुम लोग को जरूर बताऊंगा। ज़ॉम्बीज तो मेरे ख्याल से सारी के सारी खत्म हो गई है। यहाँ से हम लोग बाहर गए थे और वो रनिंग वाला ग्राउंड था, बट यार गाइस अभी यहाँ पे कंटेनर्स हैं। ये वाला कॉलेज का एरिया था, यहाँ पे बंदे भी बैठे हुए मैंने देखे थे, बट यार गाइस अभी वो लोग यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये कि सिंचन का स्कूल ऑलमोस्ट सेफ हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक दफा इसको दोबारा से देख लेता हूँ, क्योंकि अगर एक भी ज़ॉम्बी बाकी रहा तो फिर फायदा नहीं होगा, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बी वायरस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी फटाफट से ये वाली साइड भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ यार गाइस, ये साइड भी पूरी की पूरी क्लियर है। अभी टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर जाने का, लेकिन उससे पहले मुझे छतों पे भी जाके देखना होगा। पहली बिल्डिंग की छत पर तो मैं पहुंच गया हूँ, अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक कोई भी ज़ॉम्बी है यार गाइस नीचे है, और लगता है कि अभी हैवी मशीन गन को यूज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे ऊपर छत पे खड़े होके मैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने वाला हूँ। और भी कोई नहीं है यार गाइस, ये क्या हुआ, जनरेटर ही फट गया। लगता है कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट कर दिया मैंने, लेकिन अच्छा है, ज़ॉम्बीज को मारने के लिए हम लोग को यही करना था। और मेरे ख्याल से अभी तो कोई भी नहीं बचा। मैं सामने की तरफ देख तो रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि बस यही थे, लेकिन फिर भी ये साइड देख लेता हूँ। और लकीली यार गाइस, ये वाली साइड भी सेफ है, मगर यहाँ पर टेनिस कोर्ट था, और ये वाला टेनिस कोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। लगता है कि अंदर वाले सारे के सारे ज़ॉम्बीज को हम लोगों ने मार दिया है। हाँ यार गाइस, अंदर वाले ज़ॉम्बी सारे के सारे मर चुके हैं, और ये साइड तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लियर करके आया था। लगता है कि हम लोग का मिशन सक्सेसफुल हो गया है। फटाफट से अपनी टीम को बुलाता हूँ। सर, मिशन कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, हम लोग का मिशन कंप्लीट हो गया। तुम लोग हेलीकॉप्टर लेकर आओ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जी
जी ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। अभी थोड़ी देर के अंदर ही मेरा स्पेशल फोर्सेस का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है। और वैसे भी बाकी का काम तो हम लोग की आर्मी या फिर पुलिस वगैरह कर देगी। मैंने अपना यूनिफॉर्म भी उतार दिया ताकि किसी को पता ना चले कि मैं स्पेशल फोर्सेस का बंदा हूँ, मगर अभी टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का। हम लोग की स्पेशल फोर्सेज आर्मी का हेलीकॉप्टर भी बहुत ही ज्यादा ओपी है, मगर अभी निकलते हैं यहाँ से। फाइनली यार गाइस, हम लोग का मिशन तो कम्प्लीट हो गया। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।